Hey everyone, welcome to Shams IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th. सो दिस इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th विच इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो अगर हम IAS के पर्सपेक्टिव में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप होते, अराउंड वन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन ही पुटअप होते हैं, बट UPSC के अदर एग्जाम्स में इसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वी आर कवरिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर ही इंट्रोडक्शन है. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक होती क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. किसी भी, मतलब जो भी हमारी लाइफ है उसमें जो मैनकाइंड है, ठीक है, उसकी स्टडी बेसिकली, ठीक है, डैट इज इकोनॉमी. सो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल इकोनॉमी. सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? देखो, सिंपल इकोनॉमी बेसिकली कोई भी एक पर्सन किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में. अगर मतलब अगर कोई पर्सन है जो वीट उगाता है तो वो सिर्फ वीट ही उगाएगा. अगर कोई पर्सन है जो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा, वो उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है. तो सिंपल इकोनॉमी में होता क्या है कि जो भी पर्सन जो चीज़ उगा रहा है उसको सरप्लस अमाउंट में उगाता है. व्हाट इज सरप्लस? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. सरप्लस मतलब एडिशनल, ठीक है, जितना उसको ज़रूरत है अपने कंजप्शन के लिए उससे एडिशनल वो प्रोड्यूस करता है, ताकि जितनी उसकी फैमिली को चाहिए वो तो वो कंजप्शन के लिए रख ले और सरप्लस वो बेच सके, और बेच के जो भी मनी आएगी उससे वो कोई और प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है. इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन है उसके पास जो रिसोर्स है वो उसी रिसोर्स से रिलेटेड चीज़ खरीद पाएगा, ठीक है. अगर कोई टीचर है सपोज, तो वो अपनी टीचिंग स्किल से ही पैसे कमाएगा. सपोज़ कोई पर्सन है, जैसे हमने बोला कि जो सपोज़ एक फैमिली है, ठीक है, देर इज़ अ फैमिली जो बेसिकली उगाती है, वो कॉर्न उगाती है, ठीक है, विल टेक एग्जांपल ऑफ कॉर्न. वो कॉर्न उगाती है तो वो कितना कॉर्न उगाएगी डैट इज़ लिमिटेड. कितना कॉर्न वो उगाएगी वो तो लिमिटेड ही होगा, राइट. सो कॉर्न उगाने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, ठीक है. अब उस फैमिली को सरप्लस कॉर्न तो उगाना ही है ना, ताकि वो और चीज़ें खरीद सके, अपनी अपनी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर सके, है ना. इतना तो वो करेगा ही करेगी. बट कभी ऐसा हो सकता है कि इस वजह से क्योंकि हम ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस सरप्लस प्रोडक्ट. इफ़ वी हैव टू प्रोड्यूस सम सरप्लस प्रोडक्ट विल यूज़ सरप्लस रिसोर्सेज एज वेल. अगर हम सरप्लस रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तब हम एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, विच इज़ स्केयरसिटी ऑफ आर रिसोर्सेज, ठीक है. इसीलिए कोई भी पर्सन है, कोई भी फैमिली है, कोई भी है, उसको ना लिमिटेड रिसोर्सेज ही यूज़ करना पड़ेगा बेस्ट वे पॉसिबल, ताकि वो, बट उसको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्स कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर सके. ये तो प्रॉब्लम है ना. सो सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल किसी भी तरह के प्रोडक्शन में, किसी भी गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन में एंगेज होता है, ठीक है. वो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को तो कंबाइन नहीं कर सकता, है ना, इसलिए वो कोई भी एक चीज़ अच्छे से प्रोड्यूस करता है. इसीलिए हमें एक कंपैटिबिलिटी चाहिए, सोसाइटी के जो पीपल है वो कलेक्टिवली क्या प्रोड्यूस करते हैं और क्या उनको चाहिए, ठीक है, मतलब उनको कितना चाहिए और कितना वो प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें कुछ कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए, है ना. ऐसा तो है नहीं कि सपोज एक विलेज है जिसको 100 टन ऑफ एनी कोई भी गुड्स की ज़रूरत है, ठीक है, सपोज 100 टन की ज़रूरत है, बट वो सिर्फ वो पूरा विलेज मिला के सिर्फ 10 टन ही उगा पाता है या फिर प्रोड्यूस कर पाता है, तो कोई कंपैटिबिलिटी है नहीं है, है ना. तो ये चीज़ नहीं चाहिए. इसीलिए हर एक इंडिविजुअल का कंसर्न, हर एक इंडिविजुअल को हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा इफ अगर हमें सोसाइटी के लिए देखना है, ठीक है. कोई भी रिसोर्स है, किसी भी इंडिविजुअल का रिसोर्स तो स्केर्सी होगा, ठीक है, वो उसकी स्केर्सिटी तो देखने को मिल सकती है, वो अनलिमिटेड तो नहीं होगा, है ना. इसीलिए अगर एक इंडिविजुअल का रिसोर्स लिमिटेड है तो पूरी सोसाइटी का लिमिटेड है ना. तो एक अब ऐसा हो सकता है कि जो
पीपल है, ठीक है, जो मतलब पूरी, अगर पूरी सोसाइटी का जो रिसोर्स है वो स्केर्स है, तो इसका मतलब है कि पूरी सोसाइटी को कलेक्टिवली जो चाहिए वो, और जितने उनके पास रिसोर्सेज है उसमें कंपैरिजन तो होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा तो, मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, एक बीच का कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें हमें चाहिए बट हम प्रोड्यूस से कम कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा ना हो कि हमें थोड़ी सी चाहिए और हम 100 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें चाहिए 2 टन, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। बट अगर हम रियलिटी में चेक देखें तो हर इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे जो हमने ऊपर डिस्कस करा वैसा नहीं होता है, ठीक है। लोग अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो हम बेसिकली इसी फंडामेंटल कंसर्न्स को पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी में, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या हो सकता है? व्हाट इज सेंट्रल? सेंट्रल मतलब कोई एक, या फिर हम बोल सकते हैं कोई एक मेन, है ना। सेंट्रल विच इज कॉमन फॉर फॉर अ होल इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन, गुड्स, सर्विसेज, ये सारी ना कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं और हम इन चीज़ों से फेमिलियर है। जैसे कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर, सर्विस होल्डर, कैपिटल गुड्स, ये सारी चीज़ें से ना हम ऑलरेडी, सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ये सारी चीज़ों से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है। तो जो बेसिक हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज, और कितना कंजप्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, ये सारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जिसमें किसी भी टाइप का मनी का इन्वॉल्वमेंट है। वो क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड, कंजप्शन ऑफ एनी गुड और सर्विसेज, प्रोडक्शन एज वेल ऑफ एनी गुड और सर्विसेज, कंजप्शन ऑफ एनी गुड और सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? वेजेस, प्रॉफिट, रेंट्स, है ना, राइट। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, ठीक है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इट वॉज अ स्मॉल रिकैप, ठीक है। ये सारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो हर सोसाइटी को ना, जब हर एक सोसाइटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती है, विच इज़ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की कमी तो हो सकती है ना, कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड तो नहीं होता है। उसके बाद अगर स्केयरसिटी में रिसोर्स में स्केयरसिटी है तो चॉइस की भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कोई पर्सन, अगर कोई भी फैमिली क्रॉप्स उगाती है और उसके पास कितना अमाउंट आता है, सपोज उसके पास सिर्फ 100 रुपीज़ आते हैं, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल। अगर 100 रुपीज़ आते हैं तो 100 रुपीज़ में वो किस कोई एक ही अपनी बेसिक नीड्स है, सपोज उसको कोई दो बेसिक नीड्स है, इफ इट एग्जाम्पल, उसको चाय भी खरीदनी है और टी लीव्स भी खरीदनी है और उसको शुगर भी खरीदनी है, ठीक है। दोनों का रेट 100-100 रुपये है बट उसके पास सिर्फ 100 ही रुपये है, तो उसको इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। चॉइस का भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केसिटी ऑफ रिसोर्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। और इन प्रॉब्लम के अलावा जो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जिनको ऑफन समराइज किया जाता है आर दीज प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस करना क्या है एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम देखेंगे कंसर्न एक इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल को कितनी चीज़ की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग हम एक सोसाइटी का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को एक एवरेज बेसिस पे, बेसिकली, ठीक है, एक एवरेज बेसिस पे कितना, एक एक पर्सन को कितना, कितने की ज़रूरत है और कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, डैट इज़ एन, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन करके आता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना है और कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड क्या है और उस नीड की क्वांटिटी क्या है, ठीक है, ये है एक फर्स्ट। एंड द सेकेंड इज हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, वो चीज़ को प्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है, ये भी तो है, ठीक है। हमें पता चल गया कि एक पर्सन को, एक हमारी सोसाइटी को ये चीज़ चाहिए और इतनी अमाउंट में चाहिए, अब उसके लिए क्या टेक्नोलॉजीज, क्या स्ट्रेटजीज, क्या लेबर, क्या मशीन चाहिए, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नहीं, है ना, ठीक है। और इसके बाद जो अगला आता है, फॉर हूम, ये गुड्स प्रोड्यूस किसके लिए किए जा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट
पार्ट है, ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन फिर से डीपली डिस्कस करेंगे, बट किसके लिए हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करना है। अब हम लोगों के हमारा सपोज हमारी विलेज है, हमारे विलेज में अराउंड 100 लोग 100 पीपल्स है, ठीक है। 100 पीपल में से आउट ऑफ 50 पीपल्स को ज़रूरत है वीट की, और सिर्फ 50% को इसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो हमें उन 50% के लिए ही वीट प्रोड्यूस करना है ना, बाकी की 50 के लिए तो नहीं करना है, ठीक है। तो और हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो भी तो लिमिटेड है ना, तो हमें इन 50 लोगों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। ऐसे नहीं कि ठीक है 100 लोग है तो 100 के 100 लोगों के लिए हमने अरेंज कर ली, ठीक है, चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कैसा किया हम लोगों ने, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। ये जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है ना, इनको सॉल्व करने का दो या तो फिर हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके ओन ऑब्जेक्टिव्स को हम फ्री इंटरेक्शन कर देते हैं कि जो भी इंडिविजुअल को चाहिए वो खुद जाके ले ले, जैसे मार्केट पर होता है, या फिर सेंट्रली ऑथराइज हो, जैसे कि गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट है वो सेंट्रली ऑथराइज करे कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए और क्या नहीं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हम बेसिक पहले डिस्कस करेंगे, इसमें गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। कोई भी चीज़, क्या भी चीज़ प्रोड्यूस होगी, क्या चीज़ लोग कंज्यूम करेंगे, ये सारी गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज द सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट, ठीक है। सोसाइटी की क्या डिज़ायर है, क्या सोसाइटी को चाहिए, वो गवर्नमेंट ध्यान में रख के वो चीज़ बनवाएगी, ठीक है। दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेकेंड इज द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो मार्केट के थ्रू स्टडी की जाती है। मार्केट इज़ लाइक कि कौन सी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। कोई भी सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल मार्केट डैट वी हैव इन आर सोसाइटी, और एनी मार्केट, ठीक है। उस मार्केट में कोई भी सपोज इट इज़ अ स्टेशनरी शॉप, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेशनरी शॉप। अब पता चल रहा है कि जो लोग हैं, लोग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सपोज देर आर 3 स्टूडेंट्स। अब इनको पता चलता है कि 3 में से 2 स्टूडेंट्स आर सर्चिंग फॉर बॉल पॉइंटेड पेन, जो बॉल पेन्स होते हैं उनके लिए डिमांड करते हैं, और 1% डिमांड कर रहा है जेल पेन का, ठीक है, डैट इज़ द जेल पेन। अब स्टेशनरी शॉप में ये पता चल रहा है कि बॉल पेन्स की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, तो वो बॉल पेन्स ज़्यादा लेकर आएगा बाजार में, मार्केट पे, है ना। क्या बायर लेकर आ रहा है और क्या सेलर बेच रहा है, उसका बेसिक इंट्रैक्शन कहाँ होगा, मार्केट में होगा। तो मार्केट में पता चलेगा कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डैट इज़ द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। सो बेसिकली कोई भी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि या तो सिर्फ मार्केट अथॉरिटी करेगी या तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। बेसिकली ये मिक्स्ड इकोनॉमी में आती है, ठीक है। नॉर्मली चीज़ जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में ही आती है, जिसमें गवर्नमेंट और मार्केट दोनों का कंडक्शन होता है। गवर्नमेंट भी बताती है कि क्या चीज़ें चाहिए, साथ साथ में मार्केट फोर्सेज भी पता करवा, मार्केट फोर्सेज से भी पता चलता है हमें कि क्या चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यूएसए जैसी कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ना बहुत ही मिनिमम है। और जैसे अगर हम सेंट्रली प्लान इकोनॉमी देखें तो डैट इज़ चाइना। चाइना का मेजर पार्ट जो है वो सेंट्रली प्लान्ड ही है। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया जैसी जगहों पे तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही ज़्यादा, गवर्नमेंट ही ज़्यादा ओन करती है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर चलता है ना। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। जब भी हम देखते हैं कि हम इकोनॉमी में क्या क्या टेक्निक्स या फिर क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज़ को डिस्कस करते हैं। ये क्या है कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी का जो बेसिक डिस्टिंक्शन है, बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है उसमें हम चेक करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं पहले
कि जो पॉजिटिव इकोनॉमी है उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म फंक्शंस हम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म हैं जो हम अभी यूज़ करते आ रहे हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम ट्राई करते हैं कि जो मैकेनिज्म हम कर रहे हैं वो डिज़ायरेबल है या नहीं है। बेसिकली इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम ना इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक इश्यूज है उसको हम बेसिकली वो स्टडी करते हैं। बट पॉजिटिव इकोनॉमी में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को माइंड में रख के कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में ना जजमेंट हो सकती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम डाउट खड़ा कर सकते हैं, बट पॉजिटिव इकोनॉमी फैक्ट्स और फिगर्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमी में सारा एनालाइज किया जाता है, क्या हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के उसमें, ठीक है। और पॉजिटिव इकोनॉमी ट्रुथ पे बेस्ड होती है, ठीक है, क्या चलता आ रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज काइंड ऑफ जजमेंट, ठीक है, क्या हम जज कर सकते हैं कि हाँ ये होगा या ये होना चाहिए या ये हो सकता है। बट पॉजिटिव इकोनॉमी इज जो हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमी में कोई जजमेंट नहीं की जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमी इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमी में जो पॉजिटिव इकोनॉमी में ट्रुथ होता है, ठीक है, जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है ना वो जजमेंटल होती है, ठीक है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही इकोनॉमी के ब्रांचेस है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी में हम स्टडी करते हैं जो भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इश्यूज है, ठीक है, जो भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम इश्यूज है वो हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या एक इंडिविजुअल मार्केट या एक इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल फैक्ट्री जैसे होती, एक इंडिविजुअल लेवल पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल को डिस्कस करते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी एज अ होल, एक होल में क्या क्या हो रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, एक होल को पर्सपेक्टिव में रख के, एक बड़े एरिया को हम दिमाग में रख के चीज़ें पता करते हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट, एग्रीगेट इज द लार्ज नंबर, ठीक है, एक एग्रीगेट इज विच इंक्लूड एवरीथिंग, एग्रीगेट इज समथिंग विच इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है। और जो कि एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, जो भी गुड्स और सर्विसेज की, ये सारी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे मैक्रो और माइक्रो में सब कुछ ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। प्लान ऑफ द बुक, बुक क्या है, बुक बस हमें इस ये बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझाने वाली है, ठीक है। सो हेयर इज इट फॉर द चैप्टर एंड द वीडियो एज वेल, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।